नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जयपुर से बीएल सरोद। राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मेट्रो मास्क में इलाज के दौरान उपचार के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत हो गई। आपको बता दें कि आज दोपहर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में अज्ञात लोगों ने घुसकर हमला किया और उन पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की। उन्हें गंभीर हालत में नजदीक अस्पताल मेट्रो मास्क में लाया गया जहां उपचार दौरान उनके दम तोड़ दिया है। उनके इस असामयिक हत्याकांड से पूरे राजपूत समाज में आक्रोश है। राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आसपास के बाजारों को बंद करवा दिया गया। आपको बताते चले कि आज राष्ट्रीय कांग्रेस सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर अचानक हमला हुआ और अचानक इस हुए हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 से 3 राउंड में फायरिंग हुई, उसके बाद उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है।